हमारा सबसे पहला अपडेट है कार्टून नेटवर्क इंडिया चैनल से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बैटल ऑफ जो गॉड्स की मूवी है वो भाई कार्टून नेटवर्क इंडिया ने पोस्टपोन कर दी थी, और कल के वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि जो ऑडियो मिक्सिंग का काम है वो पूरा नहीं हुआ था, इसकी वजह से ही भाई उसको डिले किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। क्योंकि पिछले साल 2023 में जो रिटर्न ऑफ कूलर की मूवी आई थी तो उसमें भी यार जो पावन कालरा की वॉइस में इफेक्ट डाला गया था मेटा कूलर वाले कैरेक्टर में, तो भाई पता ही नहीं चला था कि क्या डायलॉग है क्या नहीं। और कल रात में क्या हुआ कि कल रात में 9:30 बजे कार्टून नेटवर्क इंडिया पर ड्रैगन बॉल जी की मूवी आने लगी, वो भी रिटर्न ऑफ कूलर, जिसके बारे में मैंने कल के वीडियो में भाई जिक्र किया था। मतलब भाई सोच रहे हो, मतलब सुबह में जिक्र किया और रात में भाई 9:30 बजे ड्रैगन बॉल जी की रिटर्न ऑफ कूलर मूवी देने लगी, मतलब यार क्या बात है यार। और कल जब वो 9:30 बजे आई तो मुझे भाई 2009 की याद आ गई, जब रात में कार्टून नेटवर्क इंडिया पर ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड्स आया करते थे। तो किसने किसने कल भाई रिटर्न ऑफ कूलर देखा था कमेंट में भाई जरूर बताना। हमारा अगला अपडेट है हेड हॉन्टेड टू अनदर वर्ल्ड। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये एंड में आने वाला है क्रंची रोल पर जनवरी 2025 में। हमारा अगला अपडेट है व्हाई द हेल आर यू हेयर टीचर। तो जो इसका मांगा है ये एंड हो जाएगा अक्टूबर 21 को। हमारा नेक्स्ट अपडेट है मादरा के हिंदी वॉइस एक्टर साहिल वैद से। तो जैसा कि आपको पता होगा कि नारुतो शिपुडेन में आने वाला है मादरा का बोला डायलॉग वेक अप टू रियलिटी। तो उसके बारे में ही यार साहिल वैद ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है और कैप्शन में भी लिखा है वेक अप टू रियलिटी, और जो हैशटैग है वहां पर भी लिखा है नारुतो शिपुडेन दी घोस्ट, और भी बहुत सारे हैशटैग लगाए हैं। तो देखो अभी तक भाई जो डबिंग है स्टार्ट नहीं हुई है वो वाली एपिसोड की जहाँ पे भाई उसका डायलॉग आता है, ये सिर्फ यार हाइप क्रिएट करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन मानना पड़ेगा कि मादरा उचिहा की जो इन्होंने डबिंग की है इतनी ज्यादा बढ़िया डबिंग की है कि भाई सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इनका भाई मादरा वाला डायलॉग सुनाई देता है। तो बस यार एक ही यार उम्मीद करता हूँ कि भाई हिंदी जो स्क्रिप्टिंग हो वो अच्छे से हो, और जो स्क्रिप्टिंग हो उसको भाई स्टूडियो वाले चेंज ना कर दे, वरना भाई ये डायलॉग भी कचरा हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट अपडेट है पोकेमोन से लेकर। तो पोकेमोन के बहुत सारे अपडेट्स बाहर आए हैं। हमारा अगला अपडेट है पोकेमोन कोड नेम रीलोड। तो इसको मिलने वाला है भाई एनिमे एडेप्टेशन, ये अभी भाई प्रोडक्शन में है और इसको प्रोड्यूस कर रहा है ट्विन इंजन, जिसमें टोटल 12 एपिसोड्स होने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट अपडेट है पोकेमोन की मूवी 24 से लेकर, तो ये भी भाई अभी प्रोडक्शन में है। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि पोकेमोन का जो गेम है ये भी भाई प्रोडक्शन में है, और साथ ही में पोकेमोन की ट्राइलोजी लाइव एक्शन की मूवी जो होने वाली है इसका भी जो सीरीज है वो भी भाई अभी प्लानिंग में है कि ये भी भाई आएगा, वो भी एक नहीं तीन तीन। हमारा नेक्स्ट अपडेट है ब्लू लॉक के सीजन 2 से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि एपिसोड 2 का जो भाई एनिमेशन इतना ज्यादा घटिया है कि जो भाई इसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि भाई स्लाइड शो है, तो बिल्कुल भाई वैसा ही एनिमेशन है स्लाइड शो जैसा। आपको लगेगा कि आप पावर पॉइंट में स्लाइड शो देख रहे हैं, मतलब स्लाइड शो जो एनिमेशन नहीं होता है जो लोग बचपन में किया करते थे वैसा ही। हमारा नेक्स्ट अपडेट है वन पीस एनिमे से लेकर। तो इसका जो रिमास्टर्ड फिशमैन इजलैंड आर्क आने वाला है, तो इसका नया की विजुअल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये आने वाला है 27 अक्टूबर से। हमारा नेक्स्ट अपडेट है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा तो इसको मिलने वाला है थ्रेटिकल रिलीज, और कोरिया में ये आने वाला है 28 नवंबर 2024 को, जापान में आने वाला है 29 नवंबर 2024 को, और यूएस और कनाडा में आने वाला है 6 दिसंबर 2024 को, और क्रंची रोल पर ये आएगा जनवरी 2025 में। हमारा नेक्स्ट अपडेट है वन पीस से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि 17 साल के एक लड़के ने एनिमेट किया है वन पीस का लेटेस्ट एपिसोड। हमारा नेक्स्ट अपडेट है भी यूट्यूबर लेजेंड से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि अब इसके सारे एपिसोड्स क्रंची रोल इंडिया पर हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहे हैं, और साथ ही में इनके हिंदी डबिंग आर्टिस्ट का नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारा जो अगला अपडेट है ये है नेटफ्लिक्स लेकर, नेटफ्लिक्स के न्यू हिंदी डब एनिमे से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि डेविल मे क्राई का जो एनिमे है ये हिंदी डब के साथ भाई आने वाला है नेटफ्लिक्स पर, और ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है क्योंकि इसका हिंदी जो ट्रेलर है वो भी बाहर आ चुका है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है एनिमेशन स्टूडियो पैरोट से लेकर। तो इसने अनाउंस किया है अपना न्यू पार्टनरशिप विथ असाही प्रोडक्शन।
ताकि इनका जो एमए का क्वालिटी है वो और भी ज्यादा भाई बेहतर हो सके न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से। हमारा अगला अपडेट है माय हीरो एकेडेमिया एमए सीजन 8 से लेकर। तो इसका फाइनल टीजर बाहर आ चुका है और इसका रिलीज डेट भी बाहर आ चुका है, जो कि आने वाला है 2025 में। और इसका नया की विजुअल भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और प्रोमो भी इसका बाहर आ चुका है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है मसोको टेंसाई से लेकर। तो इसमें एरियल है, तो इनका भाई हिंदी वॉइस एक्टर क्या है उनका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और नाम है निषाद प्रसाद। और इसके बारे में पता लगाया है गोकू ऑफिशियल रियल और एनिमे गीक ऑफिशियल ने। हमारा नेक्स्ट अपडेट है विंड ब्रेकर एनिमे से लेकर। तो इसका सीजन 2 का न्यू की विजुअल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये आने वाला है अप्रैल 2025 में। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है ये है मसोको टेंसाई सीजन 2 पार्ट 2 से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर कल से ये शुरू हो चुका है रात के 8:30 बजे और हर दिन इसके भाई एक न्यू एपिसोड आता है, तो आप इसको देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट अपडेट है टॉप एनिमे एपिसोड से लेकर, जिसको इस वीक बहुत ही ज्यादा अच्छा रेटिंग मिला है। जैसे कि वन पीस का जो एपिसोड नंबर 1122 है, इसको रेटिंग मिला है 9.7 का। जो ब्लिच का भाई लेटेस्ट एपिसोड आया है एपिसोड 2, इसको रेटिंग मिला है 9.5 का। और जो माय हीरो एकेडेमिया का सीजन 7 का लेटेस्ट एपिसोड है 21, इसको रेटिंग मिला है 9.4 का। हमारा अगला अपडेट है कॉमिक कॉन इंडिया से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा, तो ये आने वाला है 8 सिटीज में। ये कहां कहां पर आने वाला है उनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। हमारा नेक्स्ट अपडेट है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसने भाई टीज किया है एक स्पेशल सरप्राइज, जो कि आने वाला है क्रंची रोल पर, जो कि भाई न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में भाई बताया जाएगा, जो कि होने वाला है 19 अक्टूबर को। हमारा अगला अपडेट है वन पीस के मांगा से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये जाने वाला है 2 वीक्स के ब्रेक पर चैप्टर नंबर 1130 के बाद, और वापस से जो इसका मांगा है ये रेज्यूम होगा 10 नवंबर को। हमारा नेक्स्ट अपडेट है मोनोगाटारी सीरीज से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि इस एनिमे का नया इलस्ट्रेशन बाहर आया है। हमारा अगला अपडेट है यू आर मिसेस सर्वेंट से लेकर। तो इस एनिमे का नया स्पेशल इलस्ट्रेशन बाहर आया है। हमारा अगला अपडेट है बैटमैन निंजा वर्सेस याकूजा लीग से लेकर। तो इस एनिमे का भाई नया प्रमोशनल विजुअल बाहर आया है और इस एनिमे के बारे में और भी बहुत सारा जो जानकारी है वो हमें मिलने वाला है 17 अक्टूबर को। हमारा नेक्स्ट अपडेट है वन पीस फैन लेटर से लेकर, जो कि आने वाला है नेटफ्लिक्स पर 26 अक्टूबर को, जो कि जो वन पीस का भाई नोवेल है स्ट्रो हैट स्टोरीज उससे बेस्ड होगा। हमारा नेक्स्ट अपडेट है एनिमे मार्केट से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा माना जा रहा है कि 2031 तक इसका जो मार्केट है बहुत ही ज्यादा यार फैल जाएगा, फिर ये भाई सबको टक्कर देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। हमारा नेक्स्ट अपडेट है अकीरा टोरियामा के क्रिएटर से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि हॉल ऑफ फेम जो है वहां पर ड्रैगन बॉल का सीरीज भी होने वाला है, जो कि भाई द हार्वी अवार्ड्स होने वाला है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है डीमन लॉर्ड 299 से लेकर। तो जो ये एनिमे है ये लिस्टेड हुआ है 12 एपिसोड्स के लिए और इसका पहला एपिसोड बाहर आ चुका है। हमारा जो अगला अपडेट है ये है ड्रैगन बॉल डाइमा से लेकर। तो फाइनली ड्रैगन बॉल डाइमा अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है, नेटफ्लिक्स इंडिया पर भी आप इसको देख सकते हो, लेकिन 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 सिर्फ जापानीज डब विद इंग्लिश सबटाइटल। हमारा नेक्स्ट अपडेट है माय हीरो एकेडेमिया यू आर नेक्स्ट की मूवी से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये यूएस के थिएटर्स में लगी थी और अपना पहला वीकेंड में इसने कमाई किया है $3 मिलियन का। हमारा अगला अपडेट है एक रैपर से लेकर, जो कि अपने सॉन्ग में सुनाडे और नारुतो का भाई रेफरेंस लिया है अपने न्यू सॉन्ग में। हमारा जो अगला अपडेट है ये है नो लॉन्गर सॉल वी बी ब्ला 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 जो ये एनिमे है, तो इसका जो इंग्लिश डब है शायद से हमें इस वीक देखने को मिलेगा। अगर इस वीक नहीं आया तो अगला वीक जरूर आ जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है ये है नारुतो शिपुडेन से लेकर। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि नारुतो शिपुडेन का अभी जो भाई एपिसोड्स आ रहा है फिलर एपिसोड्स, जो कि आपने देखा था एपिसोड नंबर 179 जिसमें डांजो में अंशुल सक्सेना की वॉइस थी, और बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि डांजो को भाई अंशुल सक्सेना वॉइस क्यों दे रहे हैं। तो सुनो, आपके लिए भाई एक गुड न्यूज है, गोकू ऑफिशियल रियल से मुझे पता चला है कि एपिसोड नंबर 197 से, मतलब कि जो कैनन एपिसोड्स आने वाले हैं, तो वहां से आपको डांजो में त्रिलोक पटेल की ही वॉइस सुनने को मिलने वाली है,
उन्होंने ही डैनजो को डब किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा यार बढ़िया बात है। और गोकू ऑफिशियल रियल ने इतनी बढ़िया न्यूज दी है तो भाई एक थैंक्स तो बनता ही है। तो कमेंट सेक्शन में भाई थैंक्स लिखना, गोकू ऑफिशियल रियल थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑसम न्यूज। ऐसे भाई थैंक्स लिखो भाई, इतना बढ़िया बढ़िया वो अपडेट लाते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हो। और हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि वो जो एपिसोड आया था, एपिसोड नंबर 179 नारुतो शिपुडेन का, जिसमें जो डैनजो है उसको भाई 6 होकागे चुना जाता है, लेकिन वो भाई फिलर एपिसोड में सिर्फ चुना जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली में 6 होकागे ये पार्ट को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इसमें स्पॉइलर है। स्किप कर दिया आपने, अगर नहीं किया और अभी भी देख रहे हो तो ये आपकी गलती है। तो जो 6 होकागे है वो बनता है ककासी, मतलब कैनन एपिसोड में। हमारा नेक्स्ट अपडेट है ड्रैगन बॉल 1986 के सीजन 3 से लेकर इसके न्यू एपिसोड से लेकर, जो कि संडे के दिन आया था 13 अक्टूबर को, और आज मैं करने वाला हूं उसका हिंदी डब रिव्यू। तो उस दिन इसके भाई 6 एपिसोड्स आए थे, जिसमें से एक रिपीट एपिसोड आया था एपिसोड नंबर 33, और 5 न्यू एपिसोड आए थे एपिसोड 34 से लेकर 38 तक। और जितने भी भाई एपिसोड्स आए थे ना उस दिन भाई सारे के सारे एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा भाई फनी थे स्टार्टिंग से लेकर भाई एंड तक। और न्यू कैरेक्टर्स की बात करूं तो इसमें भाई सुनू नाम की जो एक लड़की रहती है वो हमें दिखाई दी थी, जिंगल विलेज का जो चीफ रहता है वो जो बुढ़ा रहता है वो हमें दिखाई देता है, फिर जो जनरल वाइट है वो हमें दिखाई देता है, फिर जो निंजा मुरासाकी है वो हमें दिखाई देता है, और एंड्रॉइड 8 हमें दिखाई देता है। और बात की जाए जनरल वाइट का तो इसको हिंदी में भोज दिया है जितेंद्र ढसाडिया ने, और जो निंजा मुरासाकी है उसको हिंदी में भोज दिया है अभिषेक शुक्ला ने, जिन्होंने बार्डोक को भी डब किया था एपिसोड ऑफ बार्डोक में। एंड्रॉइड 8 को किसने डब किया है आई डोंट नो। तो बात की जाए भाई एपिसोड्स का कि एपिसोड्स में क्या क्या हुआ, तो एपिसोड शुरू होता है और हमें भाई जो सिल्वर का सोल्जर्स है, एक जो भेड़िया जैसा दिखता है और एक जो दिखता है इंसान जैसा, तो वो लोग ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी वहां पर गोकू आता है और वो आसानी से 5-स्टार ड्रैगन बॉल को ढूंढ लेता है। और रेड रिबन आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमें ये ड्रैगन बॉल्स दे दो बच्चे, तो गोकू उसको बोलता है दम है तो लेकर दिखाओ। और उसके बाद गोकू भाई उन दोनों की गजब पिटाई करता है, वो देखकर भाई बड़ी हंसी आती है कि वो लोग भाई बंदूक चलाते हैं उसके ऊपर गोलियों से यार उसको छन्नी छन्नी कर देते हैं, लेकिन फिर भी भाई गोकू का कुछ नहीं बिगड़ता। उसके बाद वो लोग सिल्वर को भाई कॉल करते हैं और जो सिल्वर है वो देख लेता है कि जो वो बच्चा है वो निम्बस से भाई जा रहा है। उसके बाद सिल्वर मिसाइल से भाई उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद जो निम्बस होता है वो पूरी तरह से भाई खत्म हो जाता है और गोकू नीचे गिर जाता है। और जो सिल्वर होता है वो बोलता है कि लाओ वो जो ड्रैगन बॉल है मुझे दे दो बच्चे, तो गोकू बोलता है मेरे से माफी मांगो, लेकिन सिल्वर भाई अपना ड्रेस निकालता है और उसको अपना बॉडी दिखाकर मतलब डराने का कोशिश करता है, क्योंकि सिल्वर का भाई 6-पैक ऐप रहता है और भाई वो सोचता है कि गोकू उससे डर जाएगा, लेकिन गोकू भाई उससे डरता ही नहीं है। और फिर जो सिल्वर होता है वो गोकू का जो बोरा होता है वो छीन लेता है। उसके बाद गोकू भी भाई अपनी तेजी से उसका भाई बोरा छीन लेता है और सिल्वर बोलता है मुझे लगता है कि तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो। उसके बाद जो सिल्वर होता है वो गोकू के ऊपर अटैक्स करने लगता है और गोकू उसका अटैक्स को भाई डॉज कर लेता है और उसके ऊपर भाई हमला कर देता है, जिससे भाई जो सिल्वर होता है वो जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। इसके बाद के साथ साथ लात में भी दम है, तुम यहां से सिर्फ एक ही जगह जा सकते हो वो है ऊपर। और उसके बाद जब सिल्वर दोबारा से गोकू पर अटैक करने आता है तो गोकू अपने टेल से उसको ऐसा मार मारता है कि वो सीधा भाई बेहोश हो जाता है। उसके बाद गोकू भाई रेड रिबन आर्मी का घर में चला जाता है और वहां से भाई वो कैप्सूल्स ले लेता है और कैप्सूल्स में से एक रोबोट निकलता है और वो रोबोट की वॉइस होती है घनश्याम शुक्ला की। और उसके बाद वो लोग भाई एरोप्लेन में बैठकर जा रहे होते हैं, लेकिन जो रोबोट होता है उसकी शायद बैटरी खत्म हो जाती है, पता नहीं क्या होता है कि एरोप्लेन भाई क्रैश हो जाता है। उसके बाद जो निंजा मुरासाकी होता है वो भी हमें भाई दिखाई देता है और उसके इतने सारे भाई फनी सीन्स होते हैं ना कि उसी में भाई सबसे ज्यादा हंसी आता है उस वाले एपिसोड में, उस दिन जो एपिसोड आया था। जैसे कि वो पेड़ पर जब छुपने का या ट्राई करता है तो वो छुप भी नहीं पाता, मतलब निंजा के नाम पे एक तरह से वो कलंक रहता है कि भाई जो झंडा रहता है वो अपने ऊपर भाई ले लेता है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि वो भाई नहीं छुप पा रहा है। उसके बाद वो गोकू को बोलता है गोकू तुम गिनो और मैं छुपूंगा,
और उसके बाद वो एक पत्थर के अंदर छिपने का कोशिश करता है, लेकिन वहां पर भी वो छिप नहीं पाता क्योंकि गोकू भाई 25 तक गिनती करता है। उसके बाद पीछे मुड़ के बोलता है कि भाई 25 के बाद क्या आता है मुझे पता नहीं, मुझे बताओ ना। मतलब वो भी भाई बहुत फनी सीन था। उसके बाद जो मुरासाकी रहता है वो एक पानी के अंदर भाई छिपने का ट्राई करता है बांस के जरिए, और गोकू भाई उसके ऊपर गर्म पानी भाई डाल देता है बांस के अंदर, जिससे भाई वो भाई बाहर निकल जाता है, उसे बहुत ज्यादा गर्म लगता है। और सबसे ज्यादा फनी सीन तो भाई तब लगता है जब जो भाई मुरासाकी रहता है वो अपना भाई तलवार से गोकू के ऊपर हमला करने आता है, और गोकू अपना छड़ी को भाई बड़ा कर देता है, जिससे जो छड़ी रहता है उसका पिछवाड़ा में भाई घुस जाता है, वो भी बहुत बुरी तरह से, इतना उसको भाई दर्द होता है। और गोकू भाई उसको देख के भाई हंसता है, मतलब गोकू कितना ज्यादा यार शरारती है कि बोलता है कि देखो तुम्हारे पीछे भी पूछ है। मतलब यार मुरासाकी को कितना दर्द होता है। और भाई वॉइस एक्टर ने बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया, जिस तरह से वो चिल्लाता है, मतलब एकदम जस्टिस किया है भाई अभिषेक शुक्ला सर ने उस कैरेक्टर को। जो पेन होता है, जो दर्द होता है भाई, काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और लास्ट में गोकू अपना उससे छड़ी भी ले लेता है कि ला मुझे मेरी छड़ी वापस दो, लेकिन मुरासाकी तो भाई बंदर की तरह कूदने लगता है, तो वो देखकर भाई बहुत ज्यादा मुझे हंसी आई थी वो वाला सीन में। और फिर लास्ट में हमें एंड्रॉइड 8 देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूंखार भाई दिखने में लग रहा है। उसका वॉइस तो भाई अभी तक रिवील नहीं हुआ है, और वो हमें भाई एपिसोड 39 में पता चलेगा कि उसकी वॉइस किसकी है वगैरह वगैरह। और एपिसोड जो 9 है वो आने वाला है भाई अगला सप्ताह। जी हाँ, अगला सप्ताह वो देखने को मिलेगा आपको एपिसोड नंबर 39 संडे के दिन 20 अक्टूबर को। तो 13 अक्टूबर को ड्रैगन बॉल 1986 के जो एपिसोड्स आए थे सीजन 3 के, आपको कौन सा एपिसोड सबसे ज्यादा बढ़िया लगा कमेंट में भाई जरूर बताना। तो चलो आज के एनमी अपडेट्स में सिर्फ इतना ही, कैसा लगा आज का एनमी अपडेट कमेंट में जरूर बताना। चलो टाटा बाय बाय।